तो यहाँ पे बर्थडे गर्ल इज रेडी, टन टन। और यहाँ थे मेरी दीदी के बच्चे, कोई दूर के रिश्तेदार के, और यहाँ पे देखो कि चिल्लर पार्टी। और ये है मोटी, हमारा घर का हीरो आपे अभी तो ये आधे है, बाकी तो और आएंगे। रेडी स्टडी एंड फॉर्म। हैप्पी बर्थडे टू यू, लास्ट में हमने अपने हाथ से फोड़ के इसके स्पार्कल फेंकना पड़ा इसके सर पे। सोना को ये गिफ्ट दिया इसके छोटे भाई ने, उसका नाम है आदि। और आदि को देखिए कैसे शर्मा के चले गया था अटकते झटकते। तो यहाँ आती है मेरी सारी बहनों की एंट्री, ये बुआ की लड़कियाँ, और ये मेरी छोटी बहन, ये छोटी बहन का पति, उसकी बेटी अक्षिता जिसे सीता, ये मेरा बड़ा भाई। और यहाँ है कुहू, यह है सिद्धि, यह है अक्षिता, और यह है आदू। और ये जा रहा था केक के लिए, वापस आ गया। फिर इसके बाद में ये किट्टी है, और यहाँ पे मेरी बहन बुला रही थी। सो गाइस, आप बोलेंगे कि म्यूट क्यों कर रखा है वॉइस, बिकॉज गाना चल रहा था पीछे, तो मेरी सड़ी सी आवाज़ फिर से सुनने के लिए रेडी रही है। तो मैं यहाँ पे मेरी व्लॉगिंग की बात चल रही थी, और क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखो दीदी कैसे हंस रही थी क्योंकि भैया ने व्लॉग ही नहीं देखा था। हाँ तो क्या बोल रहे हैं, ऐसे भी सब्सक्राइबर होते हैं जो देखते ही नहीं मेरा व्लॉग, तो बस ये हंस रहे थे ऐसी। और जीजू ऐसे दीदी को छेड़ रहे थे क्योंकि जीजू देखते हैं इस वजह से व्लॉग। और ये है वो बोबा ट्यूब। और यहाँ मेरी बहन बुला रही थी मेरी बेइज्जती करने के लिए, ये जब देखो मेरी बेइज्जती करती रहती है दीदी। ये आदू की मम्मी, ये शुद्धि की मम्मी, वो है मेरे बड़े भाई की वाइफ मालू भाजू। ये मेरी अक्षिता, मुझे पहचान ही रही थी, इतनी गंदी बेइज्जती करती इसने मेरी। और यहाँ पे आए पकौड़े, चटपट, केक और चटनी, कोल्ड ड्रिंक्स ये सर्व कर रही थी भाजू, सोल्टी। और यहाँ पे बॉयल एग भी था। और यहाँ पे बच्चे कुछ शैतानियाँ कर रहे थे, और क्या बोलते हैं, मैंने तो खाया नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली होता है। तो यहाँ पे खाना स्टार्ट हो गया था, तो मेरी दीदी, आपने चटपट खाया? बोले नहीं। मैंने जल्दी खाओ ना, फिर दीदी बोली अच्छा तूने बनाया इसलिए फीडबैक मांग रही। मैंने यस। तो मैं यहाँ दीदी से पूछा, दीदी कैसा बन रखा? दीदी ने बोला टेस्टी है, वेरी वेरी टेस्टी है। तो बोली लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि इनका भी यूट्यूब चैनल है, देखो ऐसा भी होता है। और यहाँ पे तो हजम हो चुका था। मैंने फिर पूछा दीदी आपने खाया? तो दीदी ने बोला नहीं खाया। मेरी बेइज्जती होगी, कह रहे अभी थोड़ी देर में खाऊँगी रुक जा। तो मैंने अपनी बड़ी मम्मी से पूछा आपने खाया? तो करी नहीं। फिर यहाँ पे उन्होंने कुछ और भी बोला था जो मैं नहीं बता सकती, मेरी बेइज्जती कर रही थी। फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ी, देखा तो सब खा ही रहे थे, सबसे फीडबैक ले रहा था, सब बोल रहे थे अच्छा बना है चटपट। फिर यहाँ जबरदस्ती पूछा कैसा बनाया? तो बड़ी मम्मी बड़ी हंसते हंसते अच्छा बना रखा। यहाँ मैं अपना खाना लेके आ गई थी, मैंने खाया था मासू भात, मैंने छोले भटूरे नहीं खाया क्योंकि मेरा मन नहीं था। मासू के अलावा वेज कौन खाएगा बताओ, जब नॉन वेज बन रखा है तो गाइस माय फेवरेट। मैं दीदी हूँ इसकी बड़ी मम्मी हुई, हमेशा मुझे दीदी ही बोलती है। यहाँ पे गुड़िया देने की बातें होती है, बच्चे आपस में इसकी बातें समझ नहीं आती, इसे गुड़िया भी नहीं चाहिए था। इसे पता नहीं बाहर जाके क्या करना था, मुझे पता नहीं था क्योंकि बाहर ना, आपको मैं बाहर जाके दिखाऊंगी बाहर क्या था, इस वजह से मैं जाने नहीं देती। इसकी मम्मी बोलती जा, मुझे समझ नहीं आ रहा तुझे क्या चाहिए। यहाँ हो गए भटूरे रेडी, और वो भी इतने मतलब ऑयल बहुत गर्म था, नानू यहाँ पे आना चाह रही। और आपस में बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे, एक दूसरे को ढूंढ रहे थे, ये छुपन छुपन खेल रहे थे। और अक्षिता की बातें सुनो जरा।
की बातें सुनो गाइस, मजा आएगा। खाना खाना भी शुरू हो गया था, सब खाने लग गए थे। और यहाँ पे दीदी अपने चैनल के बारे में बता रही थी पूरा नाम। और यहाँ पे सब रेडी, और यहाँ पे देखो बच्चे अपने गुब्बारे के साथ खेलते। और कुहू शायद मुझसे मांग रही थी, मुझे पता ही नहीं चला, मैं ब्लॉगिंग में इतनी व्यस्त थी। और यहाँ पे देखो पूरा बता रही थी मैं इतना इतना खा रही हूँ बोल के, और नाच रहे बोले कि गाना चल रहा था गाइस पीछे से। तो ये लोग यहाँ पे डांस अपने स्टार्ट करते हैं, जो मैंने इनको सिखा रखा था नेपाली सॉन्ग, और इन्होंने स्कूल में भी करा था, आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा, इन लोग को मैंने लिया था। तो ये डांस मैंने इनको सिखा रखा है, देखो कैसे कर रहे हैं, इतने खुश हो गए क्योंकि ये गाना बहुत सुंदर है गाना। और देखो कैसे करे ताल में ताल, ये मैन। मेरी सड़ी सी आवाज़ को इग्नोर करना और मेरी बातों को समझना कि मैं क्या बोलूँ। देखो कैसे लचक झचक देखा तुमने इन लोग का। तो ये इसकी स्कूल फ्रेंड है, सुपर डांसर में ये लोग रेडी है, अपकमिंग लिटिल चैम्प्स ये लोग आएंगे, ये दोनों इनका ऑडिशन है गाइस। ये देखो गाइस इन लोग को करंट लग रहा था बीच बीच में, ऐसा लटक झटक कर रहे थे ये लोग, स्टाइल भी मार रहे थे। और अक्षिता को देखो ज़रा। इन लोग को डांस देख के हंसी आ रही थी गाइस, डीआईडी लिटिल मास्टर। फिर दीदी डांस करने लग गई, इस बीच में यहाँ पे डिस्टर्बेंस करते हुए हमारी ये बड़ी दीदी भी थी और यहाँ पे छोटी बहन इनकी। और यह देखो बच्चा एक तरफ है, मम्मी एक तरफ डांस कर। और यहाँ मेरे सब्सक्राइबर जा रहे थे जो मेरे बहुत बड़े फ़ैन हैं, और ये बोल रहे थे कब आएगा तेरा व्लॉग, तो मैंने बताया था जल्द ही आ जाएगा मेरा व्लॉग। यहाँ पे इसको मिल रखे थे एक गाउन, बहुत सुंदर सा गाउन, इस पर अच्छा भी लग रहा था ये वाला गाउन। और इसको मिले की चैन, और छोटा सा एक वो मिल रखे थे क्या बोलते, छोटी सी डायरी, और इसको देख के बहुत खुश हो रही थी ये। और एक ब्रेसलेट भी मिला इसको, और यहाँ मिला इसको दूसरा गिफ्ट, और इसमें से निकला है एक पिटारा, मेकअप का पिटारा। देखो कितनी खुश हो रही थी, इतनी खुश हो गई थी इस गिफ्ट को देख के, वो देखो उसका रिएक्शन देख सकते हो आप। ये दूसरा गिफ्ट भी खोलने लगी थी, और दूसरे गिफ्ट में क्या था मुझे भी नहीं पता है, तो देखते हैं क्या है इसके अंदर। ओह माय गॉड, इसके दूसरे गिफ्ट में है पैंट और एक कुर्ती, अच्छी लग रही इसके ऊपर, और बहुत प्यारी है कुर्ती, फैब्रिक भी अच्छा था इसका। और दूसरा है ये डेनिम जींस, पता नहीं किसने दे रखा था, पता ही नहीं चल रहा था किसने दिया, सब कन्फ्यूज थे किसने दिया। और ये था एक फ़ोटो फ्रेम जो इसकी हमारे पड़ोस में रहती है कन्नू कुमार लिम्बू, उसने दिया, याद उन्हें दिया था। और तब इसका देखा तो मुझे तो अच्छा लगा इसका फ्रेम ना, देखो कितना प्यारा लग रहा है। और ये चांदी का चेन भी दे रखा था इसकी मामी ने, कितनी खुश हो रही थी। और ये दूसरा गिफ्ट ये भी आदि ने दे रखा था, इसकी बुआ ने टॉप एंड जींस, अच्छा लग रहा था ये पैसा। सो गाइस आपको मेरी व्लॉग अच्छी लगी होगी आई होप, और हमने तो बहुत इन्जॉय किया, आप लोग भी इन्जॉय करिएगा वीडियो देख के। सो गाइस इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा ज़रूर। बाय गाइस, बहुत थक चुकी हूँ, बाय।